हमारे वकील है ना, उनसे मैं एक बार फोन पे बात करवा दीजिए। लड़ जा तू क्या बंदर, ना पीट पीट करके लेटा दूंगा, समझा? बिरजू, पूरन जी और मालती ने डॉक्टर साहब को मार के जंगल में फेंक दिया। इन लोगों की नजर में किसी की जान की कोई कीमत नहीं, और जो लोग दूसरे की जान की परवाह नहीं करते, ऐसे लोगों के बारे में सोच के अपने आप को परेशान मत करो। ऐसे क्या देख रहे हो डॉक्टर साहब, भूल गए आपकी टूटी टांग भी मैंने ही ठीक की थी। बाबा चाय तैयार, पी लीजिए। नहीं, मेरा मन नहीं है पीने का, तुम पी लो। ये क्या है बाबा, आजकल आप गुस्से में वैसे इतना उबलते हैं, ऊपर से शराब पी रहे हैं, कभी भी अपना आपा खो सकते हैं। लाइए मुझे दीजिए। मेरी बात मैं मानता हूँ कि किसी भी अन्याय और अत्याचार को देख के मेरा खून खौल जाता है। अभी इन दिनों तो मैंने अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश की है ना, कर रहा हूँ ना। हाँ बाबा, लेकिन अब इन सब बातों का क्या मतलब, जो होना था वो हो चुका है, उन अपराधियों को उनके अपराध की सजा मिल चुकी है बाबा। कोई सजा नहीं मिलने वाली, ये तुम्हारा कमजोर कानून और भ्रष्ट पुलिस कोई सजा नहीं दिला सकते उनको। अभी वो न्यायिक हिरासत में है, और देखना दो चार दिन के अंदर ही पूरन की जमानत हो जाएगी और केस कोर्ट चलता रहेगा। और वो बाहर आजाद छुट्टे सांड के जैसे घूमेगा और वही करेगा जो इतने सालों से करता। नहीं बाबा, ऐसा नहीं, हमें अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए और अपने देश के कानून पर भरोसा होना चाहिए। हाँ मैं मानती हूँ कुछ लोग हैं हमारे देश में जो कानून में कमजोरी ढूंढते हैं हमारे कानून को कमजोर करने के लिए, लेकिन बाबा एक ना एक दिन उन्हें उसी कानून के सामने झुकना पड़ता है। वैसे भी बाबा हमें अपराध से नफरत करनी चाहिए, अपराधी से नहीं। हर इंसान में अवगुण होता है, लालच, क्रोध, महत्वाकांक्षा, और एक दिन यही आपको बड़े अपराध का रूप धारण कर लेता है और इंसान उस अपराध के चक्रव्यूह में फंसकर ना अपराधी बन जाता है। बेटा मैं तेरी बात को नकारता नहीं हूँ, बल्कि मैं दिल से स्वीकारता हूँ, लेकिन जहां तक इस पूरन की बात है ना, ये अपराध ही नहीं, अपराध की जड़ है ना। ये शराब किसी भी समस्या का हल नहीं, ये स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों को खराब करती है, और इसकी असली जगह कचरे का डब्बा। तुम इसे फेंकने जा रहे हो, चाय रखी है पी लीजिए, ये तो ठंडी हो जाएगी। वैसे ये भी कम नहीं है। विकास, विकास, विकास उठो। मुझे क्या है? तुम ऐसे चैन की नींद कैसे सो सकते हो? अरे अपनी ईजा की रिहाई नहीं करानी मत कराओ, कम से कम मेरी मदद तो करो। चलो उठो। मुझे, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे कहीं भी आना जाना नहीं है, आप किसी और के साथ जेल चले जाइए और मुझे सुन लीजिए प्लीज। किसी और के साथ चली जाओ? एक सुलेखा दीद है जो अपने उसूलों में बंधी प्रधान जी से दुश्मनी करके बैठी, और सारा गांव तो वैसे ही हमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, तो किसके साथ जाऊं? तो मैं क्या कर सकता हूं? आप प्लीज मुझे सोने दीजिए, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, अब मुझे सोने दीजिए। तुम और सुलेखा दीद कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। विकास देखो, मुझ अनपढ़ औरत को तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, मेरी मदद करो, मुझे कुछ भी करके कैसे भी करके अपने पति को जेल से रिहा कराना।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती। भौजी मेरी मदद कर। साहब चाय। अरे वाह क्या बात, अच्छी चाय बनाई है तुमने। साहब अब जिला के ऑफिसर साहब को बोल के कोई नर्स या कंपाउंडर क्यों नहीं रख लेते? कब तक आप ये अकेला सारा काम करेंगे? अपनी सेहत का भी आप ख्याल नहीं रखते। मुझे ज्यादा काम करने से परहेज नहीं है सकाराम। दस लोगों से काम करवाने से अच्छा है कि मैं खुद ही सब लोगों की सेवा करूं। इससे कम से कम लोगों की जान तो नहीं जाएगी। जब तक मुझे ईमानदार कंपाउंडर नहीं मिल जाता तब तक मैं खुद ही लोगों की सेवा करूंगा। मैंने सिटी सर्जन से बात कर ली है, जल्दी एक नया कंपाउंडर मिल जाएगा। आप अगर हम थोड़ा पढ़ाई लिखाई किए होते तो आपकी मदद हम भी करते। आपको अकेला जूझता देख के हमें बहुत दुख होता है साहब। काश हमने थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लिया। तुम्हारे पास अपना इतना ज्यादा काम है कि मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। तुम इस बात को लेकर ज्यादा परेशान मत, मुझे चुनौतियां स्वीकार करना अच्छा लगता है। वैसे तुम एक काम कर सकते हो, तुम करस्पॉन्डेंट से पढ़ाई कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम यही काम करते करते अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हो। साहब ऐसा हो जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा साहब। एक बार डिग्री आ जाए फिर हम कंपाउंडरी की भी ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके बाद बन जाएंगे आपके सहायक। ऐसी पढ़ाई कहां से होती है साहब? मैं तुम्हें कल ही पता करके बताता हूँ। अरे लखन काका उल्टे, आइए बैठिए काका। आपके बगैर मुनिधार की सारी महफिल अधूरी है काका। अच्छा, और सखाराम सिवाय तुम्हारे पूरे मुनिधार में बिना पानी के कोई चाय भी नहीं बनाता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरन का कड़ा मुकाबला किया और उसके बाद बिल्कुल सही वक्त पर कोर्ट पहुंच गए, वरना उस मनुष्य की जगह मैं सलाखों में होता। अब आपने ना ईमानदारी और सच्चाई को एक बार फिर से जिंदा किया है मेरी नजर में। उसने मुझ पर हमला करने की जरूरत की थी, उसका फल तो उसे मिलना ही था। डॉक्टर साहब मैंने सरहद पर कई गोलियों का सामना किया, हर मोर्चे पर सीना तान के खड़ा रहा मैं, और शायद यही वजह है कि मैं अपने वतन से प्यार करता हूँ। हाँ सखाराम, मैं अपने वतन से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन समाज में इस पूरन और ये बिरजू के जैसे दीमकों को देखकर घिन आती है मुझे। और वहीं दूसरी तरफ आप जैसे ईमानदार और सच्चे आदमी को देखता हूं ना, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। डॉक्टर साहब आई रियली सैल्यूट टू यू जेंटलमैन, रियली सैल्यूट टू यू। अरे काका आप तो अंग्रेजी बोल रहे हैं। यस सखाराम आई रियली सैल्यूट टू हिम। अरे लखन काका को बिना पानी वाली चाय पिलाओ। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं चाय मैं पी के आया हूँ, और फिर चाय डॉक्टर साहब ज्यादा पसंद भी नहीं करता मैं। तो नींबू पानी पी लीजिए, आप वाली ड्रिंक तो यहाँ कोई पीता नहीं, ना मैं पीता हूँ ना सकाराम। डॉक्टर साहब की नाक तो बड़ी तेज है भाई, ऊपर से इलायची वाली चाय पीकर आया हूँ फिर भी सूंघ लिया। आप शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देते? डॉक्टर साहब आप मानोगे नहीं पर सच तो ये है कि मैं अपनी जिंदगी के दुखों को भुलाने के लिए ही पीता हूं। क्या करूं मैं अब, डॉक्टर साहब किस्मत ही ऐसी है, एक दुख का बादल हटता है कि नहीं 100 दुख के बादल टूट पड़ते हैं। मैं पहले नहीं पीता था डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं पीता था, पर अपनी पत्नी की मौत के बाद मैं पीने लगा।
बहुत भली थी वो, बहुत अच्छी इंसान थी। जीवन भर उसे कोई सुख नहीं दे पाया सिवाय दुखों के। सोचा था कि फौज से रिटायरमेंट लेने के बाद अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ गांव में बुढ़ापा खुशहाली से गुजारूंगा और उसे बहुत सुख दूंगा, और उसकी अचानक मौत ने सारे सपने तोड़कर बिखेर कर दिए। अच्छा सर, इनकी पत्नी को क्या हुआ था? उनकी डेथ कैसे हुई? कोई बीमारी थी या कोई और वजह थी? साहब, उनके बारे में हमको ज्यादा कुछ तो नहीं मालूम है, बस इतना सुना है कि उन्होंने अपने घर में फांसी लगा ली थी। पर्वत पर्वत मैं फिर नैन गवाए रो, वो बूटी पाऊं नहीं जाके जीवन हो, सुखिया सब संसार है खावे और सो, दुखिया दास कबीर है जागे और रो। अच्छा लगा तुझे देख के। बिरजू से मिलने जा रही है? तेरी बहन नहीं आई क्या? हाँ, मुझे पता चुड़ैल कभी नहीं आएगी। उल्टा गांव में ना भोज रखा होगा, उपहार बांटे होंगे कि पतिदेव जेल में गई है। तू और तेरी बहन कमाल हो। वैसे गांव में क्या हो रहा है? सब ठीक है। तुम्हारे जेल आने के बाद गांव में काफी खुशहाली है। सब सोचते हैं कि गांव से एक राक्षस लुटेरा हत्यारा जेल चला गया है। तुम इंसान नहीं, एक खून पीने वाले जंगली जानवर। ये अपनी जबान पे लगाम दे सबसे पहले, घोड़े की तरह। इतना क्या इतरा रहे वे? ये जो दिल्ली में पढ़ाई लिखाई कर रहा था ना, उसके पैसे मैं देता था तेरी माँ को खैरात में, तब जाके तू पढ़ा लिखा। आया बड़ी बड़ी बातें कर रहा है मेरे सामने, चुप कर। तुमने मेरा परिवार बर्बाद किया, तुमने मेरी भोली भाली माँ को बहकाया, उनका इस्तेमाल किया अपने घटिया स्वार्थ के लिए। ए, तू ये मत भूल कि तेरी माँ को नौकरी मेरी वजह से मिली। अगर नौकरी नहीं मिली होती ना, तो तू अपने बाप दादा की तरह मेरे खेत में खेती करते करते मर जाता, समझा? बंद करो अपनी बकवास। नफरत है मुझे तुम्हारे चेहरे से। अरे मैं कौन सा बोल रहा, पूजा कर मेरे चेहरे की। पता है, ऐसा हलवा मैंने सिर्फ दो लोगों के हाथों से खाया, एक मेरी मां के हाथ से और दूसरा तुम्हारे हाथ। अब इसी हलवे का टेस्ट दो तीन दिन तक मेरे मुंह में घूमेगा। आपको इसका टेस्ट अपने मुंह में रखने की जरूरत नहीं,
जब आपका मन हो हमारे घर आइए, मैं बनाकर खिला दूंगी आपको। चल जा रहे, आया बड़ा राजकुमार। अरे तेरा जो बाप दादा है ना, वो मेरे चौखट पे गुलामी करते करते मर गए। आया बड़ा तीरंदाज। चलो सोनू। वैसे एक बात कहूं तुमसे? बोल। तुमने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अच्छा? मेरे पति एक आम इंसान थे, तुमने उन्हें लालच देकर उन्हें गलत रास्ते पर ले आए। सही कहती है सुलेखा दीद, तुम्हारे जैसे कपटी और स्वार्थी लोग दूसरों के जीवन में सिर्फ अंधेरा ला सकते हैं, अंधेरा, रोशनी नहीं। अंधेरा ला सकते हैं, रोशनी नहीं। जाते जाते मेरी भी एक बात सुनती जा, आज तेरी भी जबान खुल गई। हाँ सुन, तेरे जो हाथ पीले हुए ना मेरी वजह से हुए, तेरी शादी भी मैंने करवाई बिरजू से। तेरा जो शराबी बाप है ना, किसी और को बेच देता फिर क्या करती? बोल। अरे एहसान मंद होना चाहिए मेरा, बात करती है बड़ी बड़ी। सुनो रे, सबसे पहले तुम नागिन का फन कुछ लूंगा जो मेरा ही दूध पीती है और मुझे ही डसती है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुना? सही कहा कि मुसीबत में पता चलता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। दुश्मन कहीं कहीं। काका नमस्ते। अरे शिखर बाबू बैठिए ना, बैठिए बैठिए, ये तो बिल्कुल सही समय पर आ रहा है आप। चलिए थोड़ा सा अन्न अन्न ग्रहण कर लीजिए, सुगंधा शिखर बाबू के लिए भी लगाओ। काका बस कुछ नहीं, यहाँ पे एक पेशेंट देखने आया था तो यहीं से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। डॉक्टर साहब इसी बहाने धन्यवाद हमारे जो आप यहाँ पधारे। लीजिए। अरे ये बहुत ज्यादा है। कुछ ज्यादा नहीं है, बल्कि सुबह का नाश्ता तो शरीर को सबसे ज्यादा लगता है, और आपको आपको तो वैसे ही एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा है। इतने सारे लोगों का काम आप अकेले संभालते हैं। लेकिन मैं इतना ज्यादा खाना नहीं खा पाऊंगा। मैंने कहा ना कुछ ज्यादा नहीं है ये। मुझे पता है आपके खाने पीने का कोई समय नहीं, दोपहर का लंच रह जाएगा क्योंकि मरीज देखने में आप इतना खो जाएंगे ये खाना खाना ही भूल जाएंगे। सत्य वचन, सत्य वचन। शिखर बाबू आज मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ मेरी इजा नहीं सबकी इजा है। वाह सुगंधा वाह, क्या हलवा बनाया। पता है ऐसा हलवा मैंने सिर्फ दो लोगों के हाथों से खाया, एक मेरी माँ के हाथ से और दूसरा तुम्हारे हाथ। अब इसी हलवे का टेस्ट दो तीन दिन तक मेरे मुंह में घूमेगा। आपको इसका टेस्ट अपने मुंह में रखने की जरूरत नहीं, जब आपका मन हो हमारे घर आइए, मैं बनाकर खिला दूंगी आपको। जब भी इस घर में हलवा बनेगा पहले शेखर बाबू के पास पहुंचेगा। थैंक यू काका। बाबा ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? अरे इतना स्वादिष्ट हलवा खाने के बाद मुंह कड़वा करना है क्या? बाद में खा लूंगा। बहाने बंद कीजिए बाबा और चुपचाप दवाई खाइए। चलिए काका, अब हलवा खाया है तो दवाई तो खानी पड़ेगी। देखा शेखर बाबू, जब से मेरी पत्नी लता गुजरी है ना, तब से ये मेरी बेटी मेरा ख्याल ऐसे रखती है जैसे मैं इसका बच्चा हूं। रोज डांट खानी पड़ती है, किसी ना किसी बहाने रोज डांट खानी ही पड़ती है। अब डांट खाने वाला अगर काम करेंगे तो डांटूंगी नहीं, आप ही बताइए। खा तो ली मेरी माँ, खा ली ना। काका अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछ। शेखर बाबू हम लोग इतने कम समय में एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं तो ये पूछ कर भी
न पूछने वाली बात तो है ही नहीं, पूछे ना जो पूछना है बेहिचक पूछे। काका सुगंधा की ईजा की डेथ कैसे हुई थी? शेखर बाबू मैं उस वक्त कारगिल के युद्ध पे था, तब लता ने आत्महत्या कर ली थी। क्या हुआ शेखर बाबू, आप चुप क्यों हैं? पूछिए ना जो पूछना है। काका सुगंधा की ईजा की डेथ कैसे हुई? शेखर बाबू मैं उस वक्त कारगिल के युद्ध पे था, तब लता ने आत्महत्या कर ली थी। पता नहीं क्या दुख था उसके दिल, सारे राज अपने सीने में दफन करके चली गई भगवान के पास। हम दोनों बाप बेटी को अकेला छोड़। तुम तो घर पर थी, तुम्हें तो कुछ पता होगा। नहीं पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं, मैं आती हूं। कोई तो बात है जो छुपाई जा रही है। शेखर बाबू क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं काका, खैर जो हुआ सो हुआ, मुझे अस्पताल जाना है, कुछ पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। ना शेखर बाबू कुछ तो सोच रहे हैं आप, जो सोच कर भी बताना नहीं चाह रहे। सच सच बताइए क्या सोच रहे हैं आप? काकी की आत्महत्या के बारे में ही सोच रहा था। उन्होंने ऐसा क्यों किया पता नहीं, लेकिन बिना कारण कुछ नहीं होता। अच्छा काका इजाजत दीजिए। हाँ अपनी माँ से मिल लो। मेरी कोई माँ नहीं है। और विकास की हालत तो दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। मालती का सच जानने के बाद उसके सच्चे मन को बहुत आघात पहुंचा। ये भी माँ की तरह बेईमान बनेगा। दादू नहीं नहीं दादू, कीचड़ में पैर मारने से आपके पैर में कीचड़ लगेगा।